इसके बावजूद भी उनकी मृत्यु हुई क्या? नहीं हुई। बाणों की सैया पे पड़े रहे और उन्होंने सोचा कि जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं होंगे तब तक मैं अपने प्राण का परित्याग नहीं करूंगा, दक्षिणायन में मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं होऊंगा, उत्तरायण सूर्य हो जाएंगे तब मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। 2 महीने तक उन्होंने इंतजार किया और जब मकर संक्रांति का दिन आया, जिस दिन से सूर्य मकर राशि में प्रवेश किए, जो खिचड़ी का त्योहार हम लोग मनाते हैं, जो ही वो त्योहार आया उस दिन उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया, इच्छा मृत्यु का बल मिला उन्हें और वो सब केवल पिताजी को प्रसन्न करके उन्होंने प्राप्त किया था। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इसलिए सबसे पहले ये हम जाने कि ये श्वास है ना, इसका कोई भरोसा आज चल रहा है, कल भी चलेगा कि नहीं चलेगा, इसका कोई ठिकाना? इसलिए इसे समय का सदुपयोग करते हैं और पूरा पूरा इस समय का लाभ उठाते हैं। आइए सभी लोग प्यार से बोलिएगा, सबसे पहला गुरु माँ होती है। पहला गुरु कौन? माँ, उसके बाद पिता, उसके बाद अन्य चाचा काका बाबा दादा पड़ोस के लोग, शिक्षक जो ज्ञान देते हैं, वो जो कोचिंग कराते हैं वो, और लास्ट में जब बच्चा यौवनावस्था में आता है, शादी हो जाती, फिर जो दीक्षा गुरु होते हैं वो आकर के उस व्यक्ति को दीक्षित करते हैं और उसको धर्म का मार्ग बताते हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो पहला गुरु कौन? माँ। आज एक बेटा बिगड़ रहा है, माँ तड़प रही है, रे गुरु जी का कहीं बेटा हमारा मानत नहीं करते, को बहुत बड़ी समस्या है कि माँ कहती है कि बेटा हमारा सम्मान नहीं कर रहा है। अरे तूने उस तरह का संस्कार ही नहीं दिया जो बेटा आपका संस्कार करे, बेटा आपको सम्मान दे, आपने वो शिक्षा नहीं दी, आपने वो ज्ञान नहीं दिया उस पुत्र देवव्रत को। भीष्म पितामह जिनका बचपन का नाम देवव्रत था, माँ कौन थी? साक्षात गंगा, गंगा के पुत्र थे, गंगा माँ के पुत्र थे भीष्म पितामह जी। 8 सालों तक गंगा मैया ने देवव्रत को पाला पोसा और उनको युद्ध कला में भी पारंगत किया। माँ ने सब कुछ सिखाया अपने बेटे को और माँ ने ज्ञान दिया कि माँ बेटा यदि भविष्य में कभी पिता को खुश करने का मौका मिल जाए, उसको अपने हाथों से जाने, क्यों? मेरी बात समझ में आ रही है ना? हमारे पतिया बुझाते हो सकता है तो थोड़ा सा हिलक लोक नहीं कि हमारा बुझाओ कि हाँ समझाता नहीं है ना। एक माँ ने ज्ञान दिया कि बेटा जीवन में कभी पिता को प्रसन्न करने का अवसर मिल जाए तो चूकना, उसका लाभ उठा लेना। और माँ ने वो संस्कार दिया जिसके चलते आज बेटा वो किया जो परमात्मा ने अपने मुंह से कहा है। हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करते हैं और जो भगवान ने अपने मुख से जो अर्जुन को उपदेश किया है, हम लोग उससे श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करके ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। जिस श्रीमद् भगवत गीता को बांटने के लिए यहाँ लाया गया है शशिकांत जी, वो पुस्तक लाके यहाँ पे रख दीजिए। पुस्तक कहाँ है वो? आप पुस्तक यहाँ मंगा दीजिए।
हाँ पुस्तक यहाँ रखेंगे, पुस्तक अभी कुछ देर में वितरण किया जाएगा। बोलिए आनंद गंध भगवान की जय। जो श्रीमद् भगवत गीता है ये भगवान की वाणी है। युद्ध के मैदान में भगवान ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वही ज्ञान ये भगवत गीता है। जो हमको ये गीता सिखाती है कि हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए, हमें किस प्रकार से अपने धर्म की रक्षा, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः। भगवान ने जो कहा पितामह जी ने अपने जीवन में उसको धारण किया, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि शास्त्रों में कहा गया कि धर्मो रक्षति रक्षितः, हमें धर्म की रक्षा करनी चाहिए। और जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म भी हमारी रक्षा, धर्म हमारी रक्षा कब करता है, जब हम धर्म की रक्षा करते हैं। तो यहां पे हमारे भगवान श्री कृष्ण केवल एक ही बात बताते हैं कि अपने धर्म का पालन करो, अपने धर्म से च्युत नहीं होना चाहिए, अपने धर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। स्वधर्मे निधनं स्त्रियः परधर्मो भयावह। अपना धर्म स्त्रियस्कर होता है, और जो स्त्री के धर्म को जब हम धारण करते हैं तो वो भयावह होता है, वो भयावना होता है। हम श्रम भी करते हैं और उसका फल भी हमें, क्यों? क्योंकि वो मेरा धर्म है ही नहीं। क्योंकि अर्जुन युद्ध के मैदान में जब पहुंचता है और एक तरफ से देखता है कि सामने हमारे पितामह जी गुरु द्रोणाचार्य जी, हमारे मामा, हमारे काका, हमारे चाचा, हमारे फूफा, हमारे मौसी के लड़के, सारे रिश्तेदार सामने खड़े हैं, और मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं, मुझे युद्ध करना है, और युद्ध करने के लिए मैं तत्पर हूं। और जब वो देखता है अर्जुन उन सभी वीरों को, वीर नहीं कहेंगे, अपने जनों को, अपने लोगों को देखता है तो उसमें कांपने लगता है, भयभीत हो जाता है और कहता है कि भगवान दृष्ट्वैव स्वजनं कृष्ण ययोत्सं समुपस्थितं शीतन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुद्ध्यति। कन्हैया मैं अपने लोगों को अपने सामने युद्ध के लिए उद्यत देख रहा हूं, इनको देख करके मेरा शरीर शिथिल होता जा रहा है, मेरा मुंह सूखता चला जा रहा है, मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है, मेरे हाथों से ये गांडीव गिर रहा है, मेरी त्वचा भी, मेरे चमड़ा, मेरा चमड़ा भी, त्वचा भी जल रहा है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। इसलिए कन्हैया मैं खड़ा भी नहीं रह सकता, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं। और अर्जुन बैठ जाता है। भगवान ने कहा अर्जुन उठ, युद्ध करो, तुझे राज्य पाना है ना, अयोध्या नरेश बनना है, अयोध्या की गद्दी चाहिए ना तुम लोगों को, और तुम बैठ जाओगे तो अयोध्या की गद्दी कैसे मिलेगी, तुम राजा कैसे कहलाओगे, तुम शासन कैसे करोगे लोगों पे। अर्जुन ने कहा कन्हैया हमें अपनों को मार करके जो राज्य मिलना है, जो सुख और सुविधा मिलनी है, जो मुझे वैभव मिलना है, वो मेरे किसी काम का, अपनों का खून बहा करके हम गद्दी पे बैठेंगे, हम शासन करेंगे, ऐसा राजा मुझे नहीं बनना, महाराज मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा तो फिर क्या करोगे? बोले महाराज मैं जंगल में चला जाऊंगा,
संन्यास ग्रहण कर लूंगा, फल फूल खा करके जीवन व्यतीत कर लूंगा, भीख मांग के खा लूंगा, लेकिन मुझे ऐसा राज, ऐसा धन, ऐसी सत्ता हमें नहीं चाहिए। भगवान ने कहा अच्छा अर्जुन, तो फिर तुम ये सब काम करोगे, ये तुम्हारा धर्म है? बोले हाँ महाराज, इन लोगों को मारना मेरा कदापि धर्म। बोले अरे, लेकिन तुम जो बता रहे हो ना, वो तो तुम्हारा धर्म है ही नहीं, ये तो ब्राह्मणों का धर्म है, पूजन पाठ करना, तपस्या करना, लोगों को दे करके भयभीत हो जाना, डर के जंगल में चले जाना, फल पत्ता खा करके अपने जीवन को व्यतीत कर लेना, ये तो ब्राह्मणों का काम है। तप और त्याग करना ब्राह्मणों का काम है जी। हमारे दिनकर जी ने बड़ा सुंदर शब्दों में कहा कि ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे पूज्य वही प्राणी है, क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग, क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग। क्षत्रिय कौन है? जो निर्भय होता है, जो युद्ध कला में पारंगत होता है, अपने वीर दुश्मन को देख करके कभी भयभीत नहीं होता, वो क्षत्रिय होता है। और तुम युद्ध छोड़ के भागने की बात कर रहे हो, ये तो तुम्हारा धर्म है ही नहीं। यदि तुम अपने धर्म का पालन नहीं करोगे, उस धर्म का पालन नहीं करोगे, तुम क्षत्रिय हो और ब्राह्मण का धर्म अपना लोगे, तो धर्म तुम्हारे काम आने वाला स्वधर्मे स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपना धर्म ही श्रेयस्कर होता है। ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण के धर्म का पालन करो, क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय के धर्म का पालन करो, वैश्य हो तो वैश्य के धर्म का पालन करो, यदि शूद्र हो तो शूद्र के धर्म का पालन करो, मानव हो तो मानवता के धर्म का पालन करो। तुम ये क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी क्या दशा होने वाली है? युद्ध का मैदान छोड़ के जाओगे तो यहाँ भी अपजस के भागी बनोगे, कि सबसे वीर योद्धा वो अर्जुन ने नपुंसक निकला, इन वीरों को देख करके थर थर कांपने लगा, उसके हाथ से गांडीव धनुष गिर गया, वो बैठ गया, वो बेहोश हो गया, वो युद्ध का मैदान छोड़ के जंगल में चला गया, आज भीख मांग के खा रहा है। तो यहाँ भी तुम्हें अपजस मिलेगा, और पुनः जब मरोगे ना, जब अंतिम आएगा, वहां भी तुझे कुछ नहीं मिलना, क्योंकि तूने जिस धर्म का पालन किया वो तुम्हारा धर्म तो था ही नहीं। जो धर्म तुम्हारा था ही नहीं, उस धर्म का पालन यदि तूने किया तो उस धर्म का फल तुझे नहीं मिलने वाला। इसलिए एक काम करो, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो यदि तूने अपने धर्म का किंचित भी थोड़ा भी पालन किया है, तो वो जो धर्म है वो बहुत बड़े भय से तुझे बता लेता है, मुश्किल समय में वो धर्म तुम्हारे साथ रहता है, वो तुम्हारे काम आता है। लेकिन यदि तुम दूसरों का धर्म पालन करोगे, तो उस धर्म का पालन तुम्हें, धर्म का फल तुझे, धर्मो रक्षति रक्षितः, तुम दूसरे के धर्म की रक्षा करोगे तो वो धर्म कभी तुम्हारी रक्षा। इसलिए तुम अपने धर्म का पालन करो। अर्जुन टाइट हो जाता है, खड़ा हो जाता है, अरे प्रभु सही बात, मैं तो विचलित हो रहा था। बोले अब क्या करोगे, जंगल में जाओगे? बोले नहीं कन्हैया, आप जो कहोगे मैं करूंगा। भगवान ने कहा तो फिर एक काम करो, उत्तिष्ठ तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। उठो कौन्तेय, युद्ध का निश्चय करो और युद्ध करो, ये मेरा आदेश है। बोले महाराज, यदि जीत जाऊंगा तो क्या होगा? भगवान ने कहा
जित्वा वा मोक्ष से मही। जीत जाओगे तो इस मही पे शासन करोगे, इस धरती पे शासन करोगे, राजा बन के अपना समय व्यतीत करोगे। और यदि नहीं जीत पाओगे तो बोले हतो वा प्राप्स्यते स्वर्गम्। अपने धर्म का तूने पालन किया है, यदि आप मरते हो युद्ध के मैदान में तो वीर गति को प्राप्त हो जाओगे और तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तूने अपने धर्म का पालन किया है इसलिए तुझे क्या मिलेगा? स्वर्ग। युद्ध के मैदान में वीर गति को प्राप्त हुए तो तुम्हें क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। और यदि युद्ध को जीत गए तो तुझे पृथ्वी का पूरा साम्राज्य तुझे मिल जाएगा। इसलिए कौंती उठो और एक काम करो, मां मनुस्मरण युद्ध च, युद्ध करो। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि मां मनुस्मरण, मेरा स्मरण करते हुए, मुझे याद करते हुए क्या करो? युद्ध करो। हमें याद करते हुए युद्ध करो। हमें याद क्यों करना भाई? भगवान ने कहा कि यदि तुम मुझे याद करते हुए युद्ध करते हो तो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाओगे। क्योंकि भगवान ने गीता में कहा कि देखो, यम यम वापि स्मरन् भावम्।